वेलकम बैक, खुश आमदीद द किचन काउंटर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई और इसके साथ नान, तिल वाले नान हम बना रहे हैं। और जब ब्रेक पे जा रहे थे तो मैं आप सब लोगों के सामने जो है डो को तैयार कर रही थी। और यहाँ देखें डो जो है ना, इसके अंदर मैंने ईस्ट जो हमने अलग से डिज़ोल्व किया था उसको भी शामिल करके और अच्छी तरह से मैंने यहाँ गूंद के इसको रख दिया है। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें जो ना हमें इंतज़ार करना है कि तब तक जो है ये डबल इसकी लेयर हो जाए। तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम तैयारी शुरू कर देंगे मटन कढ़ाई की। और मटन को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था आधा कप पानी डालकर, तो यहाँ जो है ना, और साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने उसमें शामिल कर दिया था, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो साथ साथ हम क्या करते हैं, टमाटर हमारे पास है आधा किलो, हम टमाटर को जो है कटिंग करके साथ तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा मटन जो है टेंडर होता है, गलता है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसको भूनेंगे, यानी कि मटन कढ़ाई जो हम बना रहे हैं उसको हम स्टार्ट कर देंगे भूनना। और यहाँ पर आधा किलो टमाटर है मेरे पास और मटन कढ़ाई हम तैयार करेंगे किसान कुकिंग ऑयल से। और यहाँ मेरे पास मौजूद भी है किसान कुकिंग ऑयल। और इसके साथ साथ टमाटर मैंने ले लिए हैं और इस तरह से हाफ मैं कर रही हूँ, हाफ कटिंग कर रही हूँ, ये देखें। और साथ साथ जो है ना हम इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल करेंगे। दही मैं तकरीबन आधा कप लूँगी, जस्ट आधा कप मैं दही लूँगी और टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च, हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे हसबे ज़रूरत। और इसके साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पर नमक है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसको हमने रोस्ट कर लिया, भून लिया, तो हम साथ जो है शामिल करेंगे। आधा किलो टमाटर यहाँ पे मैं चार इस तरह से पीस कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से मुझे करना है पीस। और इसको कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि चलेंगे मटन की तरफ, ताकि मटन को भी साथ साथ हम देख लें उसका पानी कहाँ तक खुश्क हो गया है। अच्छा जी, ये मैंने इस तरह से आप देख लें कि मैंने बड़े बड़े पीसेस जो हैं इसको कटिंग कर लिया है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको भून लेंगे, शामिल करेंगे मटन के साथ। स्पाइसेस अगर थोड़ा सा आपने स्पाइसी रखना है ना, तो आप क्या कीजिएगा साथ में ना लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ जस्ट जो है कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, मैं शामिल करूँगी। तो अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी करना है तो आप क्या कीजिएगा कि लाल मिर्च पाउडर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ टमाटर मैंने कर लिए कटिंग, टमाटर हमने कटिंग कर लिए और इसको मैं एक बॉल में शिफ्ट करती हूँ, ताकि जब हम बना रहे होंगे मटन कढ़ाई तो हमें टमाटरों को सिर्फ ले जाने में आसानी हो। ठीक है जी, आधा किलो टमाटर मैंने कटिंग कर लिए और यहाँ हम थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं और चलते हैं देखते हैं मटन को। ठीक है जी, चले आए मटन की तरफ चलते हैं। और मटन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये गल चुका है। अब हम दूसरी तरफ तैयारी शुरू करते हैं कढ़ाई तैयार करने की। और कढ़ाई मेरे पास मौजूद है और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ किसान कुकिंग ऑयल, तकरीबन जो है आधा कप शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो बॉईल आपको नज़र आ रहा है कि मैंने बॉईल कर लिया मटन को, और इसको जो है हम इसके साथ ही इस तरह से शामिल कर देंगे इस ऑयल में जो हमने किसान कुकिंग ऑयल शामिल किया है। तो बहुत एहतियात के साथ जो है ना मैं इसको भूनूंगी ऑयल में, और साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस और आधा कप दही को फेंट कर शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने पहले ही शामिल कर दिया था। ठीक है जी, आंच थोड़ी सी स्लो, और इसको मैं एहतियात के साथ पतीले के साथ ही इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे, मिक्स करें। ओके जी, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, आधा कप दही मैं ले रही हूँ
या चार खाने के चम्मच, ठीक है जी। 4 टेबलस्पून हमने दही ले लिया और अब इसके अंदर हमने शामिल करना है स्पाइसेस को। स्पाइसेस हमारे पास है गरम मसाला पाउडर है और धनिया पाउडर है, जीरा भुना हुआ है सफेद। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जीरा भुना। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, ठीक है जी। ये मैंने इसमें शामिल कर लिया। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हसबे जरूरत। ओके जी, स्पाइसेस हो गए कंप्लीट और इसको थोड़ा सा इस तरह से हम मिक्स करते हैं ताकि मसाले और दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसको थोड़ा भूनने के बाद, गोश्त के साथ मटन के साथ भूनने के बाद हम टमाटर शामिल करेंगे। थोड़ा सा अगर चाहें तो पानी भी आप शामिल कर सकते हैं, हल्का सा इसको पेस्ट की शक्ल में लाने के लिए दही को, ठीक है जी। ये मैंने, कोशिश कीजिएगा गुठलियाँ ना हो, गुठलियाँ बहुत बुरी लगती हैं। जब खाना तैयार हो जाता है तो एक छोटी छोटी सी बॉल्स गुठलियाँ ना बहुत बुरी लगती हैं। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। जस्ट 1 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल कर दिया और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि अगेन इसको स्लाइटली हल्के हाथ से मैं यहाँ पर दही को दोबारा से फेंट रही हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ जो है ना गुठलियाँ आसानी के साथ खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया था। ओके जी, ये कंप्लीट है तो मैं अब शामिल कर रही हूँ यहाँ मटन के साथ थोड़ा, इसको हम भूनते हैं। आंच मैंने स्लो रखी है। आधा कप दही के अंदर मैंने शामिल कर दिया था कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत 1 चाय का चम्मच, मैंने जीरा भुना शामिल किया और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दिया। और अब हमने दही के अंदर इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है जी। अच्छी तरह से हम इसको भून लेते हैं और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे, जब मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तो लेमन जूस। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत शामिल करिएगा, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर जो है जायका बड़ा अच्छा सा आ जाता है। अच्छा जी, दही मैंने शामिल किया और अब दही के अंदर हम मटन को भून लेते हैं। चलिए जी, ये जो है ना हल्की आंच में हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हमारे पास इस बॉल में जिसमें हमने दही को फेंटा था, इसको थोड़ा सा स्लाइटली जो है ना हम थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं क्या कर रही हूँ कि इसको इस तरह से ये देखें, ताकि कोई चीज़ ना वेस्ट ना जाए, ज़ाया ना हो। ये हमने शामिल कर दिया और साथ साथ चेक करते हैं कि हमने नान के लिए गूंद के रखा है मैदा आटा। अच्छा जी, इसको जो है ना थोड़ा सा हम और क्या करेंगे कि इसको आपने 1-2 घंटे पहले आपने गूंद लेना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ ये इसको गर्माइश मिले, गर्म जो है ना इसको हीट मिले। तो थोड़ा सा मैं यहाँ करीब करूँगी इसको ताकि ये अच्छी तरह से इसमें हीट आ जाए। और यहाँ दूसरी तैयारी कर लेते हैं। टमाटर हमने कटिंग कर लिए, अदरक है मेरे पास, अदरक की हम कटिंग कर लेते हैं, जूलियन कटिंग कर लेते हैं और इस तरह से साथ साथ दही हमने शामिल किया। दही का पानी निकलना स्टार्ट हो गया है तो दही को हमने इसी के अंदर खुश करना है, गोश्त को मटन को भून लेना है, देन उसके बाद हम टमाटर शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। यहाँ अदरक की मैं जूलियन कटिंग कर रही हूँ,
ठीक है जी, ये इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब हम डिश आउट करेंगे तब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप भी इस तरह से करते हैं, घर वालों को पसंद है, बच्चों को पसंद है, तो आप भी इस तरह से अलग से अदरक को कटिंग करके सर्विंग के लिए आप रख दीजिएगा। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त सी ना खुशबू आ रही है। तो अभी इसको कटिंग करने के बाद चलते हैं मटन की तरफ और उसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। ये हो गई कंप्लीट अदरक, इसको मैंने इस तरह से एक एक स्लाइस को, जो जूलियन कटिंग हमने की है, एक एक अदरक के पीस को हमने कर लिया इस तरह से। और अदरक हमने कर ली, हरी मिर्चें मेरे पास है, हरी मिर्चें हम स्टिक के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया है, हसबे ज़रूरत हम ले लेंगे। यहाँ चलते हैं मटन की तरफ और तेज़ी के साथ जो है ना, बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू भी आ रही है और इसको हम भूनते जा रहे हैं। ये देखें, मज़ीद हम इसको और मज़ेदार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ शामिल कर रही हूँ टमाटर, तकरीबन आधा किलो टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से कटिंग करके, आप देख रहे हैं कि चार पीस कटिंग करके मैंने रख दिए थे और मैंने शामिल कर दिए मटन के साथ। अच्छा, अब करना क्या है कि इसको मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे चूल्हे पर, ताकि जो है ना ये स्लो आंच में जो टमाटर अभी हमने शामिल किए हैं इसके अंदर अच्छी तरह से गल भी जाए, टेंडर भी हो जाए, मसाला भी इसका अच्छा सा तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, नान की तैयारी शुरू कर देंगे। नान के लिए जैसे आपने देखा कि मैंने हमने गूंद के रख दिया डो को, जिसमें मैदा था और इसके साथ साथ हमने शामिल किया था आटा, लाल आटा, और ईस्ट अलग से मैंने क्या की थी कि उसको मैंने रख दिया था ईस्ट को अलग से डिसॉल्व करके। तो साथ में जो है ना हमने शामिल कर दिया ईस्ट आधा चाय का चम्मच, हमने नमक आधा चाय का चम्मच मैंने शामिल किया था, मैंने शामिल किया था चीनी को, और चीनी मैंने एक चाय का चम्मच ली थी, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, और एक अदद अंडा, दो टेबलस्पून हमने किसान वनस्पति शामिल किया। और डो को गूंदने के बाद जो है, यहाँ आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है कि मैंने रख दिया है, और साथ साथ मटन की तैयारी हो रही है। मटन हम यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे चूल्हे पर और चलते हैं इस तरफ आते हैं, ताकि नान की भी हम साथ साथ तैयारी कर दें। और ये जो मैंने कटिंग करके रखे हैं अदरक को, हरी मिर्चें मैंने रेडी करके रखी हैं, हरी मिर्चें जो है ना तकरीबन मैंने आठ अदद ले लिया और स्टिक के साथ ही है, इसको इसी तरह से हमने इस्तेमाल करना है। साथ साथ जो है हरा धनिया मैं ले लेती हूँ, हरा धनिया हम हसबे ज़रूरत ले लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं इसको, ताकि जब जैसे ही कढ़ाई तैयार होगी तो हम क्या करेंगे कि इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों के साथ। ठीक है जी, ये मैंने हसबे ज़रूरत ले लिया हरा धनिया और इसको भी साथ ही हम यहाँ रखें। चलिए जी, ये मैं यहाँ रखती हूँ और ये हम हटा देते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने तैयारी करनी है यहाँ पर, अब हमने तैयारी करनी है यहाँ पर, हमने जो डो गूंद के रखी है नान के लिए। तो क्या करते हैं कि एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ कढ़ाई, मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हम रेडी कर रहे हैं किसान कुकिंग ऑयल में, और मज़ीद जो है हमने तैयार करना है नान, तिल वाले नान किसान वनस्पति में। लेकिन एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है और देखते रहना है हक टीवी।